अस्सलाम वालेकुम फातिमा बिबी मोहम्मद हाशिर, कैसे हैं आप लोग जी? फातिमा को भी थोड़ी थोड़ी कफ हो गई है, फबिया को भी कफ हुई भी है और मोहम्मद हाशिर को भी, है ना? और फातिमा का गला भी थोड़ा थोड़ा ख़राब है। फबिया को कल भी फीवर हो गया था और परसों भी फीवर हो गया था। ऐसे ही जी 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 आज बच्चों का, पूरी फैमिली का टेस्ट होने जा रहा है जी। नाक के अंदर से टेस्ट होगा, अभी देखते हैं कौन कौन रोता है और कौन कौन ब्रेव बेबी है, आराम से टेस्ट करवाता है, ठीक है ना? सबसे बाबा नहीं रोते, और आप आप रोगी, पहले फातिमा की बारी आएगी, बाबा के बाद आप बची, ठीक है? पहले बाबा को कहेंगे बाबा टेस्ट कराएं, फिर फातिमा की बारी, फिर फबीहा की बारी, फिर मोहम्मद हाशिर की, और सबसे लास्ट में मामा की बारी, ठीक है? तो रोएगा ना, हाशिर को तो भी पता ही नहीं है कि मेरा टेस्ट होने लगा भाई। सबसे लास्ट में आशिर का, चलो ठीक है। हाँ, इसका सबसे लास्ट में ही करवाना चाहिए क्योंकि ये रोएगा और फिर ये डिस्टरबेंस भी क्रिएट करेगा। और हाशिर को पकड़ना पड़ेगा, फातिमा फिबिया को भी थोड़ा थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, हाशिर को भी पकड़ना पड़ेगा भाई। मुझे पकड़ना पड़ेगा। नहीं, आपका, आप तो बड़े हो गए हो ना, अब आपने खुद ही करवा लेना। डरेंगे तो नहीं ना, बी ब्रेव। डरेंगे तो नहीं ना टेस्ट करवाते हुए? नहीं, बी ब्रेव जी। मेरे बेबीज जो हैं, फातिमा फबिया और मोहम्मद हाशिर, बहुत ब्रेव हैं, बहुत ब्रेव बेबीज हैं, और इन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोना। हाँ, फिर तो आप बहुत रोई थी जब आपका एक दफ़ा बाजू बाजू से लिया था। हाँ जी, इन्होंने ब्लड लिया था आपका, फिर क्यों रोई थी? चलो आज देखते हैं, आज तो नहीं ना आप लोग रोते, ठीक है? ये देखिए, आज बच्चों का टेस्ट हो रहा है। हमने इन बच्चों को नहीं बताया, छोटे बच्चों को, कि इनका किस चीज़ का टेस्ट है। हाँ, सारे बच्चे एक दूसरे से दूर दूर होके ठहरे। ये देखिए, ये मोहम्मद तलहा है, ये अब्रश है, ये शियान है, ये जैफर देखो, और ये मोहम्मद हाशिर है। मोहम्मद हाशिर इधर देखो, ये फबीहा है, और ये छोटा मोहम्मद शामीर है। आपको डर नहीं लग रहा? जी, बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को डरना नहीं है, ठीक है जी? है, सारे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, और शान दुआ भी मांग रहे अल्लाह से कि जो टेस्ट रिपोर्ट है वो इन बच्चों की नेगेटिव आए, और अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।